नोट्स कल्चर, शून्य से शिखर तक। नाउ जो लास्ट टॉपिक हमारा है मॉर्फोलॉजी का, वो है टाइप्स ऑफ प्यूपा। जैसे हमने देखा प्यूपा जो है वो रेस्टिंग इमेच्योर स्टेजेस है लाइफ साइकिल ऑफ होलोमेटाबोलस इंसेक्ट। तो होलोमेटाबोलस जो इंसेक्ट होते हैं जिनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस मिलती है, उनमें एक इमेच्योर रेस्टिंग स्टेज आती है जिसे हम बोल सकते हैं प्यूपा। तो प्यूपा जो है एक लिमिटेड टाइम के लिए, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए एक रेस्टिंग स्टेज आती है लाइफ साइकिल में लार्वा और एडल्ट के बीच, जब जो लार्वा है वो ट्रांसफॉर्म होता है एडल्ट में, क्योंकि लार्वा और एडल्ट में दोनों में मॉर्फोलॉजी में बहुत डिफरेंस है। तो टाइप्स ऑफ प्यूपा का अगर देखें तो इसे ब्रॉडली तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, ऑप्टेट, एक्सरेट एंड कोआर्क्टेट टाइप। सबसे पहले देखते हैं ऑप्टेट प्यूपा। ऑप्टेट प्यूपा को अगर हम देखें तो इसके जो अपेंडिजेस होते हैं वो ग्लूड होते हैं या चिपके होते हैं। अपेंडिजेस आर ग्लूड। ग्लूड का मतलब है जो बॉडी है उसके साथ अपेंडिजेस चिपके हुए होंगे, और जो प्यूपल कवरिंग इसमें बन रही है जो हमें यहाँ ब्लू कलर से दिखाई दे रही है, वो भी हमें क्लियर नहीं पता चलता प्यूपा को देख के कि उसका लेग कहाँ पे, अंदर में एंटीना कहाँ पे, विंग कहाँ पे होगा। तो इस कारण क्या होता है कि अपेंडिजेस के ग्लूड होने के कारण ऊपर से जस्ट एक कवरिंग बनती है प्यूपल की। साथ ही इसका जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है फॉर्मेशन ऑफ ककून। तो ककून या फिर एक प्यूपल केस यहाँ पे बनता है, इसे ककून बोल रहे हैं। तो ये प्यूपल केस या ककून जो है वो फ्रास का हो सकता है, सिल्कन मटेरियल का हो सकता है, लीव्स का हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ककून बनते हैं जिसके अंदर जो इंसेक्ट है या लार्वा जो है वो प्यूपेशन में जाता है। तो जब अपेंडिजेस ग्लूड हो और प्यूपा जो है हमारे ककून से कवर्ड हो, उस टाइप की प्यूपा को हम बोलेंगे ऑप्टेट प्यूपा। साथ ही ऑप्टेट प्यूपा जो है ये डल कलर के होते हैं, ग्रे, डार्क ब्राउन, रेड, इस टाइप के होते हैं। नाउ जो ऑप्टेट प्यूपा है विद ग्लूड अपेंडिजेस, इसे दो टाइप में डिवाइड किया गया है, फिर क्राइसेलिस एंड टम्बलर। क्राइसेलिस जो है ये भी एक टाइप का ऑप्टेट प्यूपा है। डिफरेंस यहाँ पे होगा जो क्राइसेलिस है बेसिकली ये नेकेड ऑप्टेट प्यूपा है, यहाँ पे कोई भी ककून का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो क्राइसेलिस के केस में कोई भी ककून का फॉर्मेशन नहीं होगा, नेकेड ऑप्टेट प्यूपा है, ब्राइटली कलर्ड होता है, ब्राइटली मेटालिक कलर्ड। अच्छा, जैसा कि अगर ऑप्टेट की बात करें तो हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे मौत का जो प्यूपा होता है वो बेसिकली ऑप्टेट टाइप का होता है और ककून से कवर्ड होता है, जबकि जो बटरफ्लाई के प्यूपा होते हैं इन्हें हम क्राइसेलिस बोल सकते हैं। तो ये फ्रीली हैंगिंग होते हैं लीव से पिक के साथ, एक छोटे से सिल्कन स्ट्रक्चर से, और साथ ही मेटालिक शाइन इनमें या लस्टर जो है वो हमें दिखाई देता है, और कोई प्यूपल केस नहीं दिखाई देता। इसके साथ ही जो टम्बलर होता है, टम्बलर जो है इसे हम कॉमा शेप्ड प्यूपा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका शेप जो है ये इंग्लिश में हम पंक्चुएशन यूज करते हैं, कॉमा जस्ट उसके जैसा है। तो हमने जैसे देखा था मॉस्किटो के लार्वा को हम रेगुलर बोल रहे थे, मॉस्किटो का जो प्यूपा है उसे स्पेसिफिकली टम्बलर कहा जाता है। तो मॉस्किटो प्यूपा ये है, जबकि पानी में ही होता है ये, और इस तरीके से दिखाई देता है। नाउ कमिंग टू द एक्सरेट टाइप। एक्सरेट टाइप जो है यहाँ पे अपेंडिजेस फ्री होते हैं, अपेंडिजेस आर फ्री एंड नॉट ग्लूड टू बॉडी। तो बॉडी से क्योंकि अपेंडिजेस चिपके नहीं है, जो कवरिंग एक इसके ऊपर बनती है, जो शेल इसके ऊपर बनता है प्यूपा के ऊपर, वो इन अपेंडिजेस के बीच चला जाता है, और हम बाहर से देखकर बता सकते हैं कि एंटीना, लेग या विंग कहाँ पे हैं, उनकी पोजीशन एग्जैक्टली क्या है। तो इसलिए यहाँ पे इसे बोला जा रहा है एक्सरेट प्यूपा, क्योंकि अपेंडिजेस जो है वो बॉडी के साथ ग्लूड नहीं है और फ्रीली हमको बाहर दिखाई देते हैं क्लियर। यहाँ पे किसी भी ककून का फॉर्मेशन नहीं होता एक्सरेट प्यूपा में। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो बिटल एंड विविल प्यूपा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी हमने ओलिगोपोड टाइप ऑफ लार्वा देखे थे वो आगे चल के एक्सरेट प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल ओलिगोपोड लार्वा फॉर्म्स एक्सरेट प्यूपा। तो जो कॉन्पोडिक फॉर्म और स्कैराबिक फॉर्म के लार्वा थे वो आगे चल के एक्सरेट प्यूपा में कन्वर्ट होंगे। नाउ कमिंग टू द लास्ट टाइप, दैट इज कोआर्क्टेट टाइप। कोआर्क्टेट जो है ये टाइप है एक्सरेट प्यूपा का ही। बेसिक डिफरेंस जो यहाँ पर होगा वो ये, हम ये देखते हैं कि ऑप्टेट प्यूपा और एक्सरेट प्यूपा दोनों ही कंडीशंस में ये हो रहा था कि जो लार्वा है वो अपनी लास्ट स्किन रिमूव कर देता है, मोल्ड कर देता है, और एक नई कवरिंग जो है वो प्यूपा के लिए बनाता है। लेकिन कोआर्क्टेट के क्या केस में ये होता है कि जो लास्ट लार्वल स्किन है
वही प्यूपल केस का फॉर्मेशन करती है। लास्ट लार्वल स्किन के अंदर ही प्यूपल जो है वो श्रिंक हो जाता है, लास्ट लार्वल स्किन जो है वो केस में या प्यूपा में कन्वर्ट हो जाती है। तो लास्ट लार्वल स्किन फॉर्म्स प्यूपल केस, और इस प्यूपल केस को प्यूपेरियम बोला जाता है। तो प्यूपेरियम जो है वो लास्ट लार्वल स्किन का मॉडिफिकेशन है और उससे डायरेक्ट बनेगा, और इस टाइप के प्यूपा को कोआर्क्टेड प्यूपा बोला जाएगा। सो दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्यूपा। नोस कल्चर के YouTube चैनल पर आपको सैकड़ों वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं एक अरेंज्ड फॉर्म पे सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी पूरे इंडिया से आए हुए बेस्ट फैकल्टी के, तो आपको सिंपल से स्टेप फॉलो करने हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको नोट्स कल्चर का गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करने हैं, और उसके बाद जाना है आपको स्टोर सेक्शन में ऑल इन वन कोर्स में। यहां आपको 1000 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको हमारा ई नोट्स मिलेगा और बहुत सारे टेस्ट सीरीज, 250 से भी ज्यादा टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर देखने के मिलेंगे। ये कोर्स जो रहेंगे आपके एमएससी एंट्रेंस, JRF, REO, HO, सुपरवाइजर, SADO, ADO और जो भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, इन सबके लिए बहुत ही जबरदस्त कोर्स है। यहाँ पे 1000 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स आपके बहुत सारे एग्जाम्स के 90% से भी ज्यादा सिलेबस को पूरे कवर करते हैं। इसके आ जाने के बाद, स्टोर सेक्शन में आ जाने के बाद आपको कूपन कोड दिखेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आपको दिख जाएगा कूपन कोड Lucky 100 या कोई भी दूसरा कूपन कोड मिलेगा। ये कूपन कोड जैसे आप क्लिक करेंगे, आपकी जो मेन कोर्स की फीस है वो कंप्लीट ऑफ हो जाएगी, और एक मिनिमम चार्ज जो हमारे साल भर के सर्विस, सर्वर और ऐप रेंट की चार्ज है जो हम कंपनी को प्रोवाइड कराते हैं, सिर्फ आपको वो पे करनी पड़ेगी, और ये पूरे वीडियो लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो अभी नोट्स कल्चर ऐप पे जाकर के आप ये कोर्स तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑफर है वो लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। ऑलरेडी 3200 से भी ज्यादा स्टूडेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब ये कहीं ज्यादा ये नंबर बढ़ गया हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।